सर मैं ना दिल्ली से आता हूँ, बादली में सारे यादव है। मेरा सिस्टम अलग है थोड़ा, प्यार जरूरी है। कौन पसंद आया आपको अभी तक के? एल्विश, ही इज वेरी राम राम एल्विश। रोम 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 मेरा पार्ट रखा छोरे करने थे, सिस्टम एकदम हाई है। काला पार्ट एल्विश एल्विश, हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे हैं। करोगे 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 सिस्टम हमारे साथ। बंदे में है दम, चलता है जिनका शेष टर्म। अपने डिजाइनर पर फेमस है इनके वन लाइनर। अमेजिंग, रियली अमेजिंग पर्सन। सिस्टम अभी आपको पीछे, मैं क्या बोलूं आपको, मैं दिखा देता हूं सिस्टम। आपके कैमरामैन पीछे कैमरा घुमाएंगे तो सिस्टम अभी। यार क्या फैन फॉलोइंग है इस बंदे की। ना कोई टीवी सेलिब्रिटी, ना कोई सुपरस्टार, करोड़ों की संपत्ति, आलिशान बंगला, कारों का ऐसा काफिला कि छूट जाए पीछे बड़े बड़े नेता, अभिनेता और किंग खान। आरपी के जो आंकड़े हैं वो ध्वस्त होते जा रहे हैं, सलमान खान भी हैरान हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सनातनी लड़के का जलवा है जो अब पूरा बॉलीवुड देख रहा है। सही है यार, इस बंदे का ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एल्विश की अच्छी बात, यार एल्विश की अच्छी बात यह है कि वो ना जुबान का बहुत पक्का है। अगर वो तेरे लिए खड़ा है तो वो खड़ा है। अगर उसने तेरे को बोल दिया ना कि आज मैं हूँ तेरे लिए, और तू उसको बोलेगा आधी रात को भी तो वो आ जाएगा। और वो इतनी गाड़ियां लेके आएगा, इतने बंदे लेके आएगा कि वो तेरे को पता ही है यार। जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जैसा तुम मुझे समझते हो कि भाई इसमें बिग बॉस के बाद ऐट आ गई, घमंड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपको लगा घमंड? नहीं, 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 इसको झूठ लग रहा है। मेरे लिए इतना घमंडी आदमी मैंने अपनी जिंदगी में खुद नहीं देखा। यार पर कुछ भी हो, भाई ने बहुत बड़े इंटरव्यू लिया। काश ऐसा भी मैं बोल पाता। यार अगले बंदे की ना फुल भाई शरारती, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी। थोड़ा बहुत किस तरह के, मैं स्कूल से भाग जाता था और मर्डर करे मैंने बचपन में ना। यार ना करो, क्या क्या बोल जाता है ये। बिग बॉस कॉफी कूफी का इंतजाम करो भाई। हाँ यार जमाई आ रखे है तुम्हारे। बट मुझे भी कॉल आया था बिग बॉस से, उन्होंने मुझे बोला कि हमें ऐसा एक यूट्यूबर चाहिए जो फुकरा इंसान को टक्कर दे सके। आपके पास एल्विश का नंबर है क्या? अमेजिंग यार, हर कोई फैन है। अमेजिंग है ये बंदा। फिल्म चाड़नी है फिर भी यार यूट्यूबर होकर इतनी 5000 लोग लाइव देख सकते हैं कभी भाई। इतनी जनता ना किसी की नहीं है, किसी की नहीं है इतनी जनता भाई जो इतना प्यार करती है। मुझे लगा एल्विश की वीडियो है वो, पर ये एल्विश की वीडियो है, आप पता चल रहा है। सीजन 1 और सीजन 2 में आप नहीं जीत पाए। सीजन 3 में क्या ऐसा कैरी आप करने वाले हो, वो सीजन्स का एक्सपीरियंस है जीतने के लिए। व्हाट यू गोना डू बताओ, क्या करने वाला हूँ भाई? हारने वाला है तो घोड़े पे बात चलते हैं तो वैसा भाई पूरा आउटफिट पहन के आए थे, पूरे कॉम्पिटिटिव अच्छे से तो इसको सही चलाया फिर बैठ के मैंने ऊपर। यार इसके लिए जैसा कोई जवाब नहीं दे सकता। तो खेली होगी सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, लूडो, वो वाला जिसमें वो घुसंड मारते हैं, कैंडी क्रश है ना। हाँ कैंडी का पता नहीं पर क्रश तो।
देखा कोई बोल नहीं सकता इस बंदे जैसा। तू चुप रहे, बदतमीजी करेगा तो बदतमीजी सुनेगा। तेरी ड्यूटी है कर, असिस्टेंट बना है, सिस्टम मिल गया सारा, कर। कल तो बंद कर दे, पानी वेस्ट कर रहा है। वास्तविकता के साथ जागो। मैं हमेशा कल नहीं आ रही यार इतना शर्मा रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लग गई मैं तुम्हें कितना शर्मा रहा है, मतलब मैं देखती हूँ ना तो मैं यूज्ड टू नहीं हूँ ये एल्विश को देखने के लिए ऐसे बिल्कुल, मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसे हाँ बताओ यार सिस्टम ही सिस्टम है बताओ। वास्तविकता के साथ जागो और ध्यान से रहिए। हाँ अभी भी कह रहा हूँ ध्यान से रहिए। अच्छा पांडू पांडू समझ रहा हूँ। ओके सर, जैसा नेताओं का देख लेना तो बाहर मिल जी, हम देख लेंगे कौन कितना बड़ा। मैं बोलने पाऊंगा, मैं देखूंगा तो कितना बोलेगा। हाँ बोल रहा हूँ, बोल देखूंगा कितना बाहर देखना ना। तब तक चुप्पी बांध के नूना बैठा दिया ना साइड में कोने में, तो नाम बदल दिया। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका वो वाला एटीट्यूड है कि चलो अब ये नहीं हो रहा फिर, तो बहुत कैजुअल एटीट्यूड है कि मैं छोड़ देती हूँ। देखो मेरा क्या है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहती हूँ, लोग बिना पढ़े एग्जाम देते ना वो वाला सीन है। फिर तो वो लोग क्या कहते हैं बेवकूफ। पर कभी ऐसा लगता है कि अब फेम मिल गया है जो चाहिए था, पैसा कमा रहा हूँ जो चाहिए था, अब क्या चाहिए? अब चाहिए शांति। मतलब किस वे? एक लड़की है शांति। मुंबई की कोई स्लैंग्स सीखी है आपने? नहीं कुछ सिखाओगे मुझे? गुड़गांव की कोई स्लैंग? गुड़गांव की स्लैंग्स? हाँ। गंदी गंदी स्लैंग्स कहाँ सीखोगे? ना करो यार। देसी म्यूजिक फैक्ट्री ने आपको अप्रोच किया है इसके बारे में, लाइक हाउ डिड दिस एंटायर सॉन्ग प्रोजेक्ट हैपन? भाई देसी म्यूजिक फैक्ट्री वाले देखो जो हाइप में होता है सब पकड़ लेते। हाइप में तो है ये बंदा। जब बहुत पैसा आ जाता है या बहुत फेम आ जाता है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि सबको पसंद आता है। आपको कितने लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज को इग्नोर करना इजी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कैसे उस चीज से टैकल कर रहे हो? बिकॉज़ इट्स वेरी डिसिप्लिन। यार मैं यार कोर्स कर रहा एल्विश, रोना नहीं है मेरी जान, फुल सपोर्ट है तेरे को। जली को आ कहते हैं, बुजी को रा कहते हैं, एल्विश यादव वो सिस्टम है जिसे राव साहब कहते हैं। नहीं बहुत लोग इसके पीछे हैं। कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपने मना किया लेकिन वो अभी फिलहाल आप देख रहे हो वो काफी हिट हो गया, कोई है ऐसा? ना वो जो हम रिजेक्ट करा जी वो कैसे हिट हो जाएगा? बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप हाथ आजमाना चाहेंगे? उसमें तो पैर दे देंगे पूरा। बहुत ही मिन्नतों से ढूंढा है इन्हें तब जाकर मिले हैं। हेलो एल्विश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, अभी जंगल में इन्होंने मेरे को ढूंढ लिया, मैं तो भागा जा रहा था बॉर्डर पार। कैरी के साथ आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है, आपकी ऑफ स्क्रीन अगर मैं बात करूं कैसी बॉन्डिंग हो रही है उनके साथ? कैरी इज लाइक माय लिटिल वाइफ। लिटिल वाइफ भाई हेल्प करो मैक्स 10 की भाई। हाँ तनु आ गई। तो एक ना बात है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। बस यही बोलूंगा, मेरी फुल सपोर्ट है मैक्स 10 को, पर मैं जिंदा भी रहना चाहता हूँ भाई। अरे चलो दो सेकंड की ना चलाइए, पर मैं ट्रक ना दिखा रही हूँ। तो आज मैं ऐसा लग रहा हूँ, ये पता क्या है, ये किसकी शर्ट है? गैस करो, चलो कमेंट सेक्शन में ना गैस करो कि ये किसकी है, कब की है, कहाँ से आई है।
मैं बताऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चल निकल, चल अबे ओ तू निकल उधर, चल चल ना, अबे चल मेरे मुंह मत लगे, चल काम कर, तू सो जा मुंह ढक के ना, दिखता रहेगा तो चुपता रहेगा, काम से काम रख ठीक है, तेरे से कोई काम भी नहीं मेरे को, मत रखना फिर काम में, अपने क्यों लगा हुआ है अविनाश, अविनाश अविनाश क्या अविनाश अविनाश, अरे भाई सुन मेरी बात, तू इंपॉर्टेंट नहीं मिले तो कुछ नहीं आ रहा, तो अगर दम है ना तो मेरे मुंह पे, मेरे मुंह पे ही कहूंगा, जाके मुंह छुपा, चल चल बेवकूफ का बच्चा, सामने खड़ा हूं नहीं छुपाऊंगा, उखाड़ ले भाई, ऐसा रूल होता ना तो उखाड़ भी लेता मैं, उखाड़ ले, ढीला तू है भाई, अबे हल्के, अबे चल 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 चल, हां चल वहां जा, वहां पेड़ के पीछे मुंह छुपा जाके जा, बेवकूफ का बच्चा साड़ा, ए क्या है, बाप पे मत जा, अच्छा तुम्हें पता लग गया बेवकूफी, सिस्टम चेंज करना, सिस्टम सिस्टम भेट हो गई यार, क्या मतलब सीरियसली, मतलब मेरे यानी ख्याल के इतना कोई एक्टिव पर्सन होता है जो डायरेक्ट एक सेकंड के अंदर उसके बंदे को पहले ही पता होता है कि भाई आगे से मैंने क्या जवाब देना है, वो अगले बंदे की सेंस ऑफ ह्यूमर को पढ़ लेता है, वो अगले बंदे का पता चल जाता है उसको कि वो क्या बोलने वाला है, और वो उसके आगे कोई कुछ नहीं है, वो भाई एलविश भाई ही इज अमेजिंग पर्सन, और उस जैसा शातिर बंदा मेरा नहीं ख्याल कोई उसके साथ पंगा ले सकता है, मुझे बहुत मजा आता है इसकी वीडियोस देखने का, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इससे बहुत कुछ सीखती हूँ कि अगले बंदे का मुंह कैसे तोड़ना है इसको पता है, और मेरे ख्याल से हर एक को इससे सीखना चाहिए, इस वजह से मुझे ये बंदा बहुत पसंद है भाई, इस जैसे एटीट्यूड तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पसीना आ गया बातें सुन सुन के, अमेजिंग। बाकी आप लोग बताएं कमेंट्स में नेक्स्ट किस वीडियो पे रिएक्शन वीडियो करनी चाहिए, तो बाकी इफ यू लाइक टुडेज रिएक्शन वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, लाइक करते रहा करें और शेयर करते रहा करें प्लीज गाइस, आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही मजा आता है, फिर आगे वीडियोस करने का भी मजा आता है जब व्यूज अच्छे आ रहे होते हैं, तो प्लीज स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए साथ रहिए, बने रहिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।